विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में अश्विनी नवरात्रे 29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जाएंगे। इन नवरात्रों में मंदिर मार्ग पर ढोल नगाड़े बजाना व मंदिर में नारियल लेकर जाना पूर्ण तरह से प्रतिबंधित है। पहले नवरात्रि को झंडा पूजन कर ज्वाला माँ के पूजन कर कन्या पूजन कर अश्विनी नवरात्रों का शुभारंभ किया गया। इन नवरात्रों में प्रशासन की तरफ से नारियल व ढोल नगाड़ों पर पूर्ण तरह प्रतिबंध रहेगा। ज्वालामुखी शहर को 7 सेक्टरों में बांटा गया है। इन नवरात्रों में लगभग 4 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों व लाइटों से इसे सजाया गया है। इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इन नवरात्रों का शुभारंभ ज्वालामुखी के SDM अंकुश शर्मा, DSP तिलकराज व मंदिर अधिकारी बिशन दास शर्मा ने झंडा पूजन व कन्या पूजन कर किया। SDM अंकुश शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में शरदीय नवरात्रों का शुभारंभ हो गया है और इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं को चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, यातायात की व्यवस्था हो और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के साथ साथ शौचालय और बिजली की व्यवस्था के सभी प्रबंध किए गए हैं। इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुलाया गया है। मंदिर के पुजारी अवनेन्द्र शर्मा ने बताया कि अश्विनी नवरात्रों के लिए झंडा पूजन व कन्या पूजन कर इसका शुभारंभ किया गया। इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा का व्यवस्था पूरी तरह से चकाचौंध रहेगी। इन नवरात्रों के 9 दिनों में ज्वाला माँ के 9 रूपों का पूजन किया जाएगा। इन नवरात्रों में विशेष पूजन किया जाता है। पहले नवरात्रे में बाहर से आने वाले श्रद्धालु व स्थानीय लोग ज्योति को अपने घर भी ले जा रहे हैं। रविवार को नवरात्रि के पहले दिन हजारों की संख्या में लोगों की लाइनें दर्शन के लिए लगी थीं और माँ ज्वाला के दर्शन कर उन्होंने आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा के सभी इंतजाम किए गए हैं। नवरात्रों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हरियाणा, UP से भी आते हैं और माँ ज्वाला के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री ब्रजेश्वरी देवी मंदिर कांगड़ा में अश्विनी नवरात्रि मेले शुरू हो गए हैं। श्री ब्रजेश्वरी देवी मंदिर कांगड़ा में रविवार सुबह 4 बजे कपाट खुले। कांगड़ा में लगभग 50 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। मंदिर को लगभग 30 टन देसी व विदेशी फूलों से सजाया गया है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में थाईलैंड व हॉलैंड से मंगवाए गए विशेष फूल का छत्र बनाया गया है और गर्भगृह में लगाया गया है। मेले के पहले दिन रविवार को मंदिर परिसर में शतचंडी महायज्ञ भी आरंभ हो गया है। सहायक मंदिर आयुक्त एवं SDM कांगड़ा जतिन लाल ने विधिवत पूजा अर्चना कर नवरात्रि मेले का हवन यज्ञ कर रसम अदा करके इसका शुभारंभ किया। शक्तिपीठ माता श्री ब्रजेश्वरी मंदिर में पहले नवरात्र में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माँ के दर्शन किए और सुबह से ही यहाँ लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। नवरात्रों के दौरान धारा 144 भी लागू की गई है। इसके अलावा नवरात्रे में श्रद्धालुओं को लाइनों में सुविधा पूर्वक दर्शन करवाने के विशेष प्रबंध किए गए हैं। साथ ही विकलांगों के लिए भी पूर्ण रूप से नई व्यवस्थाएं की गई हैं। निशुल्क लंगर के अलावा निशुल्क औषधालय की भी व्यवस्था की गई है। नवरात्रों में श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले और उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी इंतजाम करने के साथ CCTV कैमरे भी स्थापित किए गए हैं। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में सुबह की आरती और झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ नवरात्रों का आगाज हो गया। प्रथम नवरात्रि के उपलक्ष्य पर मां शैलपुत्री का पूजन किया गया और सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने नवरात्र पूजन किया और अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की।
नवरात्रों के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और मंदिर न्यास के द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा मंदिर की सजावट का कार्य भी अभी इस बार बखूबी निभाया गया है। मंदिर को सजाने का कार्य करनाल की समाज सेवी संस्था के द्वारा किया गया। फूलों से सजे मंदिर को देखकर श्रद्धालुओं का मन मोह रहा है। हालांकि नवरात्रों के दौरान शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। लगभग 600 से अधिक पुलिस कर्मी व होमगार्ड के अलावा एक्स सर्विस मैनों की तैनाती की गई है।